أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ربي زدني علما، اللهم فقهنا في الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. उम्मीद और दुआ के सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको खैरियत आफियत से रखे, हिफ्ज अमान में रखे, कुरान से जोड़ के रखे। कुरान को हमारे दिलों की बहार बना दे, आंखों का नूर बना दे, इसको हमारे गमों को दूर करने का जरिया और जन्नत में जाने का जरिया बना दे, आमीन। आज हम पढ़ेंगे सूरतुल बलद। इसकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन को तोड़ के समझ के पढ़ने की कोशिश करेंगे। बहुत आसान सूरत है अल्हम्दुलिल्लाह, और आसान करने वाला तो अल्लाह ताला है। इंशाल्लाह ताला हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला उक्सिमु, ला नहीं, उक्सिमु मैं कसम खाता। कुरान में कई दफ़ा इससे कसम में इस तरह है, ला उक्सिमु बियौमिल क़ियामा, ला उक्सिमु, ला उक्सिमु बिलखुन्नस। तो उसमें उक्सिमु के बाद बी आता है, जब भी ला उक्सिमु इसका मतलब है किसकी कसम खाता। ला उक्सिमु मैं कसम खाता हूँ किसकी, बी की वजह से, बी से पता चलता है। उक्सिमु मैं कसम खाता हूँ बी हाजल बलद, इस शहर की। हाजा का मतलब होता है इस, दैट, दिस, और अलबलद शहर सिंगुलर में, इस शहर की। वह अंता और आप, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अंता है तो ट्रांसलेशन में आप करके करेंगे, और आप हिलुल मुकीम है। हालाम लाम रूट वर्ड कुरान में जब भी आया है डिफरेंट मीनिंग में आया, जैसा हलाल के मीनिंग में के हलाल, जैसे उर्दू का हम कहते हैं हलाल, और इसके अलावा टू डिसेंड उतरने के मीनिंग में भी आया, मगर ये हिलुल मुकीम है के मीनिंग में सिर्फ कुरान में यहीं पर आया मुकीम। और इंग्लिश में देखेंगे तो आपके इसके मीनिंग दिखते हैं फ्री टू ड्वेल, यानी कि ड्वेल के, ड्वेलिंग रहने के, मुकीम के मीनिंग में। तो सिर्फ यहाँ पे ये मीनिंग आया, तो आप इसको हाईलाइट कर लीजिए, ये मीनिंग आपको इस रूट वर्ड से और कहीं नहीं मिलेगा। अंत और हाफ हिलुन मुकीम है बिहादल बलत, इस शहर में। वह वालिदिन, और ये भी वाव कसमिया, क्योंकि पहले कसम आई, अब ये वाली वाव कसमिया है, जैसे हम वल फजर में पढ़ते हैं, वल दुहा में पढ़ते हैं, तो वा कसम है और इसमें चीज को मजरूर कर देती है, हमें दो जेर नजर आ रहे हैं। वो वालिदिन कसम है वालिद की, बाप की। वा माँ, और जो, जिसे, वलदा उसने जन्म दिया। वालिद जो है इसमें दो जेर दिख रहे हैं, ये इसम है, और वलदा ये है फेल, और फेल में वलदा यानी कि उसने जन्म दिया, उसने पैदा, वलदा पैदा किया, जन्म दिया। इसमें हुआ, वलदा में जब फेल माजी के आखिर में जबर या खड़ी जबर होता है, उसमें हुआ की जमीर हिडन होती है, यानी वाहिद मुजक्कर की, उसने, तो इसलिए इसकी ट्रांसलेशन में उसने जन्म दिया, यानी कि वालिद ने जन्म दिया। तो कसम है वालद, वालिद की, वमा वालद, और उसके बच्चे की, यानी जिसे, तो ये आपने तफसीर में देखा ही है। लकद अलबत्ता तहकीक, खलकना पैदा किया हमने अल इंसान, इंसान को, फी कबद मुशक्कत में। कबद का रूट वर्ड काफ बादाल, कुरान में एक ही दफा आया है ये, इसके अलावा आपको नहीं मिलेगा ये रूट वर्ड। इसके मीनिंग है हार्डशिप में, मुशक्कत में पैदा किया। अयहसबु, आ क्या, या अयहसबु क्या वो समझता है, अन के, लन हरगिज नहीं, यकदीरा वो कादिर होगा। काफदाल रार रूट वर्ड कदरा यकदीरू, इसके मीनिंग होते हैं टू रिस्ट्रिक्ट, तंग करना, या फिर टू हैव पावर, किसी चीज पर कुदरत रखना, टू कंट्रोल। तो यहाँ पे इसके मीनिंग कुदरत के हैं, तो लाइन यकतेरा नहीं वो कुदरत रखे, रखता नहीं वो कादिर होगा, उसकी पावर नहीं होगी, हरगिज नहीं कादिर होगा, उस पर कुदरत रखेगा, आले ही उस पर, अहद को, ये कोई एक भी उस पर कादिर नहीं हो सकेगा, वही समझ जाएगा, कोई भी उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकतेगा। तो टू कंट्रोल के मीनिंग में भी आता है कदरा यकदिरू, और टू हैव पावर के मीनिंग में कि हर किसी नहीं कादिर होगा उस पर कोई एक। या पुल वो कहता है, इंसान क्या कहता है, अहलक तू, हलाक कर दिया मैंने। जब भी फेल माजी के आखिर में तू तापे पेश आए, इसका मतलब मैंने, अहलक तू, हलाक कर दिया मैंने, मालन माल, लुबदा ढेरों। लुबदा का रूट वर्ड है लाम बादाल, ये कुरान में सिर्फ दो दफा है, और दोनों दफा इसके मीनिंग चेंज है, जैसे ऐसा कोई आपस में रिलेटेड नहीं नजर आते। तो लुबदा ढेरों माल खर्च कर दिया, तो यहाँ पे एक दफा है, और दूसरी दफा है लिबदा करके है लाम पे जेर के साथ, और इसके मीनिंग है अकॉम्पैक्टेड मास, जैसे हुजूम, लोग उस पर हुजूम करके आ जाएंगे टूटने के लिए तैयार। तो ये लिबदा में
इस तरह आता है कि जरा सा ज्यादा हुजूम करके, मीनिंग क्राउडेड की मीनिंग में. लिबदा एक दफा है जिसकी मीनिंग इससे बिल्कुल डिफरेंट है, जो हमने लुबदा पढ़ा है. तो ये माल लुबदा ढेरों माल. अयहसबू, क्या वो समझता है, अन के लम नहीं, यराहु देखा उसे, अहदुन किसी एक ने, अलम क्या नहीं, न जाल हमने बनाई लहू उसके लिए, आईनैन दो आंखें. आइन कहते हैं एक आंख को, आइन जान नून रूट वर्ड. इसमें जो आइनी आखिर में आ रहा है, अरबी में तस्निया का सिगा होता है मुसन्ना का, उसमें आइनी आनी की साउंड आती है. तो इसमें दो आंखें किधर से आया, दो, ये जो आइनी का साउंड आया आगे, उसमें आइनैन दो आंखें. वह लिसानन और एक जबान, लाम सीन नून. व शफातैन और दो होंठ, लिप्स, टू लिप्स. तो शफातैन का रूट वर्ड लिख लीजिए आप, थोड़ा सा ट्रिकी है, या कुरान में सिर्फ यहीं पे आया है. इसके अलावा ये रूट वर्ड और ये लफ्ज कहीं नहीं आया. रूट वर्ड है उसका शीन, फा और हा, ये वाली हा जो होती है, ये रूट वर्ड है इसका. और शफातैन में आइनी की साउंड की वजह से, जो आइनी आया है, इसलिए इसमें टू के मीनिंग आ रहे हैं और दो हो, टू लिप्स. वह हदैना हो, और दिखाया हमने उसे. इसको हम ब्रेक करेंगे, हदैना दिखाया हमने, जो हदा या हदी होता है, इसका मतलब होता है किसी को रहनुमाई करना. तो अल्लाह ने रहनुमाई की हमारी, लेकिन रहनुमाई की हमने हो उसे, या दिखाए हमने उसे, किसे, इंसान को. डूअर प्रोनाउन कौन है, हमने, यानी कि अल्लाह ताला अपने लिए कह रहे हैं, और हु इंसान को दिखाई, हमने क्या दिखाई, नजदैन दोनों रास्ते. इसमें भी आईनी का साउंड में दोनों आ गए. और नजद नून जीम दाल रूट वर्ड, नजद जो है इसकी मीनिंग है वे, और ये कुरान में एक दफा आया है सिर्फ, नजद भी समझे. ये शीन फा हा भी कुरान में एक दफा आया है. लुबदा के मीनिंग भी ढेरों वाले एक ही दफा आए हैं. तो इसमें आप ऐसे लफ्ज देख रहे हैं, तो नून जीम दाल रूट वर्ड एक ही दफा कुरान में है. नजदैन दोनों रास्ते दिखाए हमने उसे, बोथ वेज, टू वेज. फला पसना इक्तहमा, वो दाखिल हुआ. काफ हा मीम, इसमें दाखिल होना आता है. इसके ता जो है ये बाप की है. रूट वर्ड में काफ हा मीम है. दो दफा कुरान में ये रूट वर्ड है काफ हा मीम. इसको लिख लेते हैं काफ हा मीम. और इसमें है इक्तहमा, तो ये फेल है कि वो दाखिल हुआ. कहाँ नहीं दाखिल हुआ, अल अकबा घाटी में. एन कौफ बार एक रूट वर्ड है. अकबा घाटी के लिए आता है, जब हम वो सीरत पढ़ते हैं स्टोरीज, उसमें जब मक्का से मदीना जब ये हिजरत होने वाली थी, उससे पहले बैत अल अकबा, बैत वहां पे बैत हुई थी अकबा में, और वो घाटी पे जाके बैत होती थी. तो उसमें अकबा का लफ्ज यूज हुआ है, तो घाटी के लिए आता है अकबा. फलक तहमल अकबा, पस ना वो दाखिल हुआ घाटी में. एक दफा कुरान में ये काफ हा मीम रूट वर्ड है, वो इस्म की तरह आया है. सौत की आयत नंबर 59 है, उसमें हाजा फौजुन, ये एक फौज है, मुक्तहिम, जो आए चले जा रही है. इसमें भी दाखिल होने के बात ये है कि मुक्तहिमुन, जो तुम्हारे साथ धसी चली आ रही है, यानी कि आए जा रही है, घुसा चला आ रहा है. तो इसमें दाखिल होने के मीनिंग आएंगे. तो ये मुक्तहिमुन इसम की तरह है कि ये बर्स्ट करके अंदर आ रहा है, जैसे दाखिल हो रहा है. तो दाखिल होने की ही मीनिंग में ऑलमोस्ट है. यह मुक्तहिमुन थोड़ा सा डिफरेंट है और इसम है. यहाँ पे इक्तहमा यक्तहिमु, ये फेल है, ठीक है. फला पसना, वो दाखिल हुआ अलकबा घाटी में. वमा अदरा का मल अकबा, और क्या चीज बताया आपको. दरा अदरा युद्री, दाल रा या रूट वर्ड, दाल रा या रूट वर्ड. जब ये अदरा युद्री करके इस बाब में आता है, इसके मीनिंग होते हैं व्हाट टू मेक यू नो, यानी टू मेक यू नो. तो जब हम अक्सर आप पढ़ेंगे वमा अदरा का, और क्या चीज बताए आपको, व्हाट विल मेक यू नो, और का की ट्रांसलेशन आपको. तो मैं अदरा का, और क्या चीज बताए आपको, मल अकबा, कि क्या है वो घाटी. कुरान में ये अंदाज बहुत दफा आपको तीसरे पारे में तो बहुत ही दिखेगा, वमा अदरा का मल कारिया. फिर पहले हम पढ़ चुके वमा अदरा का मा सकर, वमा अदरा का बियोमिद्दीन. तो क्या चीज बताए आपको कि क्या है अलकबा, वो घाटी. फक को आजाद करना है. ये रूट वर्ड है फा काफ काफ फक करके. कुरान में ये रूट वर्ड दो दफा है, और दोनों दफा डिफरेंट ही तरह आया है. जैसे लुबदा था दो दफा है, लेकिन डिफरेंट से मीनिंग है. फक्कू में भी, यहाँ पे फक्कू आजाद करना, काम का नाम है, एक्शन का नाम इसम है, तभी ट्रांसलेशन आजाद करना. फ्रींग रकबा, एक गर्दन का. रकबा कहते हैं गर्दन को, रकबा एक गर्दन का.
फ्रीइंग ऑफ वन नेक, गर्दन यानी कि आजाद करना एक गर्दन का, रकबा। फा काफ का रूट वर्ड दूसरी दफा एक दफा है, सूरह बय्यना के पहली आयत में है। लम यकुन अल्लदीन कफरू मिन अहलिल किताबी वल मुशरिकीन मुनफक्कीना। मुनफक्कीना यहाँ पे इसमें भी ट्रांसलेशन है अलग होने वाले, यानी इसमें मगर फ्रीइंग के मायने नहीं है, अलग होने वाले के मायने या बाज आने वाले के मीनिंग है, तो बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग है इसमें मुनफकीना के। तो मैं आपको यही बता रही हूँ, फा काफ का फ्रूट वर्ड दो दफा है कुरान में, मगर दोनों दफा बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग्स है, आपस में इनका इतना नहीं समझ नजर आता हमें मिलता हुआ। फकु फ्रीइंग आजाद करना, रकबा एक गर्दन का, औ या और एतआमुन खाना खिलाना। एतआमुन भी खाना खिलाने का नाम है, एक्शन का नाम है एतआम, खाना खिलाना। फी यौमिन एक दिन में, दी मसगबा भूख वाले, जूजा दी की ट्रांसलेशन होती है पजेजर ऑफ यानी वाले करके ट्रांसलेशन करते हैं, मसगबा। सीन गैन बा रूट वर्ड है कुरान में, ये एक ही दफा आया है सिर्फ यहीं पे और कहीं पे भी नहीं आया है रूट वर्ड सीन गैन बा रूट वर्ड। इसका मतलब क्या है, सिवियर हंगर, बहुत ज्यादा भूख के लिए लफ्ज आता है सीन गैन, सीन गैन बा। वो यतीमन किसी यतीम, दा मकरबा कराबत वाले, जा की वजह से ट्रांसलेशन वाले करेंगे करेंगे मकरबा कराबत वाले। औ या मिसकीनन किसी मिसकीन, दा मतरबा खाक नशीन को, दा की ट्रांसलेशन वाले करते हैं, मगर मतरबा का रूट वर्ड है ताराबा। तुराब उर्दू में आता है, अरबी में आता है कई दफा तुराब, लियालैतनी कुंतु तुराबा, तो तुराब का मतलब डस्ट होता है। तो मतरबा कुरान में एक ही दफा आया है, खाक नशीन यानी जो बहुत ही माइजरी में हो, बहुत ही मुश्किल में हो, दा मतरबा जो खाक नशीन हो, जो बहुत ही मिजरेबल कंडीशन में हो। तो ये तीन चीजें, मसगबा मकरबा मतरबा, भूख वाले कराबत वाले और खाक वाले यानी कि खाक नशीन जो बहुत ही मिजरेबल हालत में हो, मिजरी वाले खाक नशीन हो। खाक डस्ट को कहते हैं ताराबा रूट वर्ड से, दा मतरबा। तुम फिर काना हो वो, मिनल लदीन आमन उनमें से जो ईमान लाए, एक बात उनमें यह हो कि वो ऐसा हो कि जो ईमान लाने वालों में से, व तवासव और उन्होंने एक दूसरे को तलकीन की, बिसब्री सब्र की। वाउसाद या रूट वर्ड है, वाउसाद या रूट वर्ड जब ये इस बाब में आता है जैसे आप देख रहे हैं तवासव वाले, तवासा ये तवासा करके, तो जब ये इस बाब में आता है इसकी मीनिंग होते हैं कि एक दूसरे को तलकीन करना। जैसे आप देखें वसीयत के मीनिंग नहीं करेंगे इसमें, वसीयत वसाद या रूट वर्ड वसीयत के लिए आता है ज्यादातर कुरान में कि वसीयत करना ताकीद करना, लेकिन जब ये इस बाब में आता है इसकी मीनिंग एक दूसरे के इनकरेज करना तलकीन करना इसमें आता है। तो यहाँ पे दो दफा है, यहाँ पे टोटल पांच दफा कुरान में इस तरह आया है, दो दफा यहाँ पे देख रहे हैं तवासा और उन्होंने एक दूसरे को तलकीन की। इसमें एक दूसरे के बाहम के मायने कहाँ से आए, ये एक बाब होता है जिसके शुरू में ता आए और बीच में रूट वर्ड्स के दरमियान में अलिफ आए, तो इसमें बाहम के मायने आ जाते हैं जिससे एक दूसरे से व तवासा और एक दूसरे को तलकीन की, एनकरेज किया बिसब्र सबर करने के लिए, व तवासा और एक दूसरे को तलकीन की बिन मरहमा रहम करने के लिए। मरहमा भी कुरान में एक दफा है, राहा मीम रूट वर्ड है और मरहमा भी एक्शन का नाम है, रहम करने की तलकीन करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो इसमें ये इसकी वजह से इस बाब की वजह से इसमें म्यूचुअल की ट्रांसलेशन होती है। आपने वहां भी देखा अम्मा यतसाअलून तो वो एक दूसरे से सवाल करते हैं, इसी तरह तरादउ और जो कभी कुरान में ऐसी एग्जांपल आती है तो उसमें बाहम के मीनिंग आते हैं इस वजह से, इस बाब में आने की वजह से। सूरह असर में दो दफा ही नजर आता है, सूरह असर की आयत नंबर 3 है, सवाए उन लोगों के जो ईमान लाए और उन्होंने अमल किए नेक, व तवासौ एंड enjoin each other, एक दूसरे को हक की नसीहत की, व तवासौ और एक दूसरे को हक की सबर की तलकीन की, तो तलकीन करना नसीहत करना और एक दूसरे को, इसमें बाहम के मीनिंग जरूर आएंगे। तो यहाँ पे ये हो गया आयत नंबर 18, उलाइक यही लोग हैं अस्हाबुल मैमना दाएं हाथ वाले, दाएं हाथ के लिए यमीन का लफ्ज आता है, तो यमीन असहाबुल यमीन भी कुरान में आता है और वो जो हमने पढ़ा के नामा माल यमीनी यमीन हाथ में दिया जाता है, तो या मीम नून रूट वर्ड राइट हैंड के लिए असहाबुल मैमना दाएं हाथ वाले। वल्लदीना कफरू वो जिन्होंने कुफर किया भी आयात ना हमारी आयात के साथ, बी की ट्रांसलेशन विद हमारी आयात के साथ, हम वो हैं असहाबुल मशअमा बाएं हाथ वाले।
शीन हमजा मीम रूट वर्ड कुरान में 3 दफा आया है, और शीन हमजा मीम रूट वर्ड के मीनिंग क्या है, यानी कि ये भी अस्हाबुल मशअमा है, तो इसके मतलब बाएं हाथ वाले, लेफ्ट हैंड वाले जो लेफ्ट साइड पे होंगे। ये कुरान में 2 दफा सूरह वाकिया में इस आयत में, आयत नंबर 9 में, अस्हाबुल मशअमती, और जो बाएं हाथ वाले होंगे, माँ अस्हाबुल मशअमा, तो उनका क्या हाल होगा बाएं हाथ वालों का, क्या उनकी बदनसीबी का क्या कहना। अल्लाहुम्मा ला तजालना मिनहुम, अल्लाहुम्मा ला तजालना मिनहुम, अलैहिम उन पर नारुन आग होगी, सौदा बंद की हुई। सौदा का रूटवर्ड है वाव सौद दाल, कुरान में ये रूटवर्ड 3 दफा है, और 2 दफा सौदा करके इस तरह इसके मतलब है कि किसी चीज को जिस तक बंद कर देना, ऊपर से ढक देना बंद करके, तो बंद की हुई सौदा, तो वाव, एक तो ये पैसिव है, चाहे तो लिख ले, मजहूल है, सौदा बंद की हुई। ये गोल था जो ये मोनस के लिए, क्योंकि अरबी में नार जो है ये मोनस होती है फेमिनिन, तो इसीलिए सदा कि ये, तो वाव साथ दाल रूट वर्ड सदा बंद की हुई। ये कुरान में एक और जगह हमें नजर आता है सूरह हुमजा, जब हम देखेंगे उसमें आयत नंबर 8 है, इन्नहा बेशक वो आग होगी, अलैहिम उन पर सदा क्लोज वर्ड बंद कर दी जाएगी, तो सदा बंद कर दी जाएगी पैसिव सी इसकी ट्रांसलेशन है कि बंद की हुई, बंद कर दी जाएगी। और अल्लाह ताला हमें हर किस्म के अजाब से बचाए, अल्लाह ताला हमें उन लोगों में करे जो ईमान लाके अमल साले करने वाले, और एक दूसरे को हक की तलकीन करने वाले, एक दूसरे को सब्र की तलकीन करने वाले, एक दूसरे को रहम करने की तलकीन करने वाले हों। अल्लाह हमें भी राइट हैंड वालों में रखे, हमें और हमारे प्यारों को सबको। अल्लाह हमारे लिए जन्नत में जाना आसान करे, अल्लाह हम सबको आग से बचा के जन्नत में ले जाए। इसमें जो भी कमी कोताही थी हमारे नफ्स की वजह से थी, अल्लाह माफ़ करे, इसके बेहतरीन हिस्से से हमें फ़ायदा उठाने वाला बनाए। अल्लाह ताला हमें माल का सही इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए, जहाँ अल्लाह ताला चाहते हैं वहाँ माल खर्च करें। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समीउल अलीम, व तुब अलैना इन्नक अंतत तव्वाबुर रहीम। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।